हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन नेचुरल गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मनी प्लांट की लीव्स को बिग साइज में बड़ा कैसे करें। और आप देख रहे हैं कि समर में जो मनी प्लांट के एजेस बर्न होने की प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे दूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरा मनी प्लांट कितने अच्छे से फैल रहा है। और यहाँ पर मैंने इसको ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पर 3 से 4 घंटे की डायरेक्शन लाइट आती है, बट और जिसकी वजह से मेरी जो मनी प्लांट्स की लीव्स है, आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन, इसके एजेस बर्न हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट के ऊपर की जो लीव्स की कंडीशन है, उनकी हालत ज़्यादा बेकार है नीचे के अकॉर्डिंग। और आप देख रहे हैं कि नीचे अच्छे से सभी लीव्स न्यू शूट निकल रही है नीचे से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और ये मेरा मनी प्लांट, मैंने इसको पानी में ग्रो कर रखा है। तो फ्रेंड्स, आप देख, मनी प्लांट को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट पानी में स्लो ग्रोथ करता है, बट फिर भी आप इसको पानी में लगाकर छोड़ दे तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो लीव्स है ये मनी प्लांट, इसको मैंने पानी में लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट की जो एजेस बर्न होने की प्रॉब्लम आती है, वो दो वजह से आती है, एक तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से और एक सनलाइट से। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरे जो ऊपर की लीव्स है वो ज़्यादा बर्न है नीचे के अकॉर्डिंग, बिकॉज लीव्स का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से प्लांट लीव में से मॉइस्चर लेने लग जाता है और उसकी कंडीशन, उसके एजेस ड्राई होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलने की वजह से भी इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, आप मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर सिर्फ नॉर्मली सुबह की धूप आती है, उसकी जो वाटरिंग है उसकी वाटरिंग भी बिल्कुल लेस वाटरिंग करें। आप उसकी जब सॉइल ऊपर से ड्राई हो तभी आपको उसको वाटरिंग करनी है। उसकी जितनी भी ड्राई लीव्स वगैरह उसको हटाते रहना है, जिससे उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो इन ड्राई लीव्स पर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स मनी प्लांट के लिए कौन से फर्टिलाइज़र बेचते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपने मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया है वो रोज़ प्लांट का फर्टिलाइज़र है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये मेरा रोज़ प्लांट का फर्टिलाइज़र है जो मैंने मनी प्लांट को दिया था। इसको बस आपको 1 चम्मच ही अपने मनी प्लांट में डालना है और आपके मनी प्लांट में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स बर्न होने की या फिर इसकी, आप देख रहे हैं, येल्लो लीव्स होने की, ये सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसको रोज़ प्लांट का फर्टिलाइज़र देना, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी स्टोर से ला सकते हैं इसको। और ये बहुत, मैं इसको 50 रुपीज़ में लाई थी। तो फ्रेंड्स, ये रोज़ प्लांट का फूड है और आप भी इसको ऐसे ही 1 चम्मच अपने प्लांट्स में डाल दें। या तो फ्रेंड्स, मैं अभी इसको अपने मनी प्लांट में डाल दूँ, बस आपको इसे इसको स्प्रिंकल कर लेना है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जिससे मनी प्लांट की रूट्स को डेवलप होने में अच्छे से इसको ग्रोथ करती है। तो फ्रेंड्स, इसको डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके मनी प्लांट की जो लीव्स का साइज़ है वो बड़ा होगा और जो लीव्स है वो भी शाइनिंग लीव्स निकलेगी, उन पर अच्छे से चमक आएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने मनी प्लांट में ये डाल दें। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके के लिए बनाना पील का फर्टिलाइज़र या फिर काउडंग कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ ये अच्छे से फैल रहा है और 3-4 घंटे की धूप मिलने की वजह से इसकी जो ऊपर की लीव्स है ये ड्राई हो चुकी है। और बिकॉज ये इस दीवार पर, इस वॉल पे बहुत ज़्यादा धूप आती है और ये अभी भी गर्म है, तो फ्रेंड इससे इसके लीव्स का मॉइस्चर जो ख़त्म हो जाता है, जिससे ये अपनी लीव्स को बर्न होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आप जब ऑलमोस्ट लीव्स बर्न हो जाए तो आप उसको हटा लें। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मनी प्लांट में 1 चम्मच फर्टिलाइज़र डाल दें और उसके बाद अच्छे से वाटरिंग कर दें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें वाटरिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट को जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पसंद है वो शावर करना है। तो फ्रेंड्स,
अगर आप अपने मनी प्लांट स्कीम में ये प्रॉब्लम हो रही है इसके एजेस बन होने की, तो आप उसको शावर करते रहे, उसकी जो एरिया रूट्स है उसमें शावर करते रहे, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपकी जो लीव्स का मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है तो वो अच्छे से उन एरिया रूट्स से उनको मिल जाएगा, और एरिया रूट्स में मॉइस्चर रहेगा तो आपका प्लांट्स ऑटोमेटिकली हेल्दी होने लगेगा। तो फ्रेंड्स आप ये टिप्स ज़रूर नोट करें कि आपके मनी प्लांट को शावर ज़रूर करें दिन में 2 बार, और ठंडे पानी से शावर करें। और आप देख रहे हैं कि मनी प्लांट की न्यू न्यू शूट निकल रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।